ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, के हम खो गए प्यार की रागनी में। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं स्टार्ट इधर से कर रही हूँ, लेकिन जा मैं रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ समझ लें हाई टी पे, लेकिन ओपन में जा रही हूँ तो कोशिश करूँगी वहाँ से भी एक दो शॉट्स अगर मैं ले सकी, कुछ रिकॉर्ड कर सकी तो मैं करूँगी। तो वैसे मैंने ये सोचा था, मैंने सुबह एक बहुत प्यारा ड्रेस ये वाला मैं दोबारा पहनूंगी, तो मैं कहीं गई थी तो मैंने पहना था सैमी बाय नबीला का चिकन का, ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैं अब स्पॉइल नहीं करूंगी दोबारा। आप जब ये पहनूंगी ना जाने के लिए तो फिर मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगी। आज का जो मैंने वादा किया था उसके मुताबिक मैं अलरिया हैंड ब्लॉक प्रिंटेड नेचुरल ड्राइज बाय हिना, ये हिना बच्ची है, बहुत ही प्यारा, इसने अलरिया इसके इंस्टाग्राम का नाम है जो कि मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ। उसने मुझे ब्लॉक प्रिंट का पूरा सूट भेजा है, 2-पीस सूट है ये, और इसमें आप दुपट्टा कमीज़ भी बना सकते हैं। मैंने फुल सूट लिया, शलवार कमीज़ लिया है, या शलवार दुपट्टा है मेरे ख्याल से, सॉरी कमीज़ दुपट्टा है, और बहुत प्यारा है। और आपने इसकी प्राइस है 3,500, जो कि आजकल कुछ भी नहीं मिलता इतने में, और नेचुरल डाइज हैं सारे, हैंड ब्लेंडेड हैंडमेड है ये सूट, और ये है दुपट्टा है इसका, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और सूट है पूरा। और आप लोगों ने इस पेज को लाइक करना है और आपने ऑर्डर करना है दुपट्टा। कैसा है शाह? मैंने कहा शाह से भी मशवरा ले लूँ, ये मैं अब सिलने के लिए देने जाऊँगी तो आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी कि मैं इसको कैसा बनवा रही हूँ। लॉन पे फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी फैब्रिक की बहुत अच्छी है, ये जो है ना अरेबिक लॉन उस पर बना हुआ है ये। और ये इसके शर्ट, ये मैंने खुद चूज़ किया था, खुद प्रिंट करवाया उससे, और ये 3,500 का 2-पीस है, यानी दुपट्टा और शर्ट। शर्ट्स क्योंकि मैं लंबी पहन रही हूँ, और इसके साथ आप ब्लैक या ऑफ वाइट कुछ भी पहन सकते हैं। मैं कैसा सिलवा रही हूँ वो मैं भी आप लोगों को बताऊँगी इसके बाद, तो मैंने कहा ये आप लोगों को आज दिखाऊँ। और सबसे अच्छी और मज़े की बात ये कि इसकी पेज पर ना शायद चूड़ियाँ भी थी, बैंगल्स भी थी, और मैंने बैंगल्स भी ऑर्डर किए हैं, और ये मुझे इतनी प्यारी लगी हैं बैंगल्स, ये देखिए। हाँ खोल रही हूँ, हैंडमेड बैंगल्स हैं। आप जैसा भी ड्रेस, अगर आपने किसी और ड्रेस के साथ भी मैच करवानी है तो आप ये चूड़ियाँ उनके साथ भी बनवा सकते हैं। आपको अपना साइज मेंशन करना होगा और स्टाइल मेंशन करना होगा, और ये चूड़ियाँ ये देखिए, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं ये। मैं इस ड्रेस के साथ, ये मैंने वैसे बनवाई हैं जर्नल के, मैं इनको पहनूंगी, और मैं थोड़ी सी चूड़ियाँ और भी ऑर्डर कर रही हूँ, ज़रा मैं ब्राइट कलर्स वाली बनवा रही हूँ, ताकि शायद वो ब्लैक एंड वाइट जो सूट होंगे ना मेरे प्लेन, उनके साथ मैं पहनूंगी। तो ये वाली मैंने इसमें स्किन कलर में बनवाई थी चूड़ियाँ, क्योंकि जिस तरह मैं ये वाले भी कपड़े पहने हैं ना, या कोई भी आप पहने तो आपको ये चूड़ियाँ बैंगल्स हैं, ये बहुत प्यारे और अच्छे हैं लगे मुझे, फैब्रिक बहुत अच्छा है, और सूट तो आपके सामने है, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये मैं गर्मियों के जो कपड़े हैं ना मेरे पास लॉन के, एक दो और भी पड़े हुए हैं, तो या तो मैं एक साथ ही फिर सिलने को देकर आऊँगी, या थोड़े दिनों में ये बनवा के मैं रखूँगी। तो ये सूट है मेरा जो आया है, आप लोग भी अपना ऑर्डर करें, बहुत सारे कलर्स हैं, मैंने डल में बनाया लेकिन बहुत ब्राइट कलर्स भी इसमें हैं, जो आपको जैसे अच्छा लग रहा है आप ऑर्डर करें। आपको पता है मैंने एक ब्लू और वाइट वाला शायद ऑर्डर किया था कहीं इनसे, ये मेरा सेकंड सूट है जो मैंने इनसे ऑर्डर किया है, दूसरा वाला भी दिखाना अंदर पड़ा हुआ ना जो मैंने मंगवाया था, वो भी ला दूँ मैं साथ ही दिखा दूँ, मैं दूसरा भी दिखा दूँ जो मैं लाई हूँ। हाँ चलिए अच्छा, अनसिले कपड़ों में। अच्छा तो जो लोग, एक मैंने वैसे ही रिप्लाई करना था कि कुछ लोगों ने ना वैसे ही रिप्लाई किया था, जो कि मेरे ख्याल से शायद मेरे पहले से वीडियोस नहीं देख रहे होंगे, वो कह रहे थे कि आप अपने स्टाफ को काम बहुत बता रही होती हैं, तो काम तो अब बताना ही होगा,
और हम लोग सारे मिलजुल के एज टीम ही काम कर रहे होते हैं। और ये मेरा स्टाफ नहीं है, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। मेरे दुख सुख में मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं इन्हीं को बताती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे पॉन्स्टॉन दे दो या चाय बना दो या कुछ भी। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भी बुरी लग रही हो, अगर बुरी लग रही हो ना इन्हें तो ये अच्छा खासा मूड पे इनके या मूड से पता चल जाता है। तो मैं आपको साथ में दूसरा सूट भी दिखा देती हूँ। अच्छा, जो दूसरे वाला सूट, पहला जो मैंने इनसे मंगवाया था वो ये, और दूसरा जो मैंने मंगवाया वो ये। ये दो सूट है, ये टू पीस है, ये भी टू पीस है। हाँ, ये भी सूट है पूरा और ये भी सूट है। कपड़ा बहुत अच्छा है, तो आप लोग एक एक सूट तो गर्मियों में ये वाला होना चाहिए ब्लॉक प्रिंट का, तो आप अपना सूट भी ऑर्डर कर लें तो अच्छा। दुपट्टे बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक्चुअली अगर आपने सूट नहीं भी लेना ना तो शायद इनका दुपट्टा बहुत अच्छा है। जो मैरून वाला अजरक वाला नहीं होता, बहुत अच्छा है, उसको आप लेस वेस लगा के थोड़े से शीशे या सीक्वेंस वगैरह वो भी अवेलेबल है। इसके बाद आप जाके वेबसाइट और वो करें या फिर हिना से इंस्टाग्राम पे बात कर लें तो वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड भी कर लेगी। अब मैं चल रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से आप देखती हूँ कुछ रिकॉर्ड कर सकी तो ठीक है, वरना फिर बाकी की रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में कम्प्लीट करूँगी। तो मैं वहाँ से तो आ गई और अब मैंने कुछ आगे के प्लान करना था। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड आ रही है डेनमार्क से, उसकी बेटी की शादी है। फ्रेंड है, ऐसे है कि हम लोग खदीजा के पैदा होने से पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जब मैं बाहर रहती थी तब भी वो मेरे पास आई थी। वो लोग भी बाहर ही होते हैं, डेनमार्क में वो आ रही है, उसकी बेटी का निकाह है। तो मैं ये सोची थी कि मैं ये गरारा पहनती हूँ। गरारा है ये सैमी बाय नबीलास का, और जो इसके साथ शर्ट है ना वो मुझे लग रहा है बहुत हैवी है, वो मैं ना पहनूं। तो इसके साथ ना मैं कुछ अपना ही मैच करना चाह रही हूँ। ये और कलर इसका बहुत प्यारा है, गरारे का मस्टर्ड सा है, थोड़ा रस सा है, और इसके ऊपर सारा काम हुआ है। तो मैंने ना सोचा ये है कि मेरा अपना भी, मैंने गरारों का पूरा गरारों का ब्लॉग किया था उसमें मैंने आपको अपने दिखाए थे, क्योंकि मैंने ये भी बताया है मुझे गरारे बहुत पसंद है, तो दो चार हैं मेरे पास। उनकी शर्ट मैं सोची थी कि इसके साथ ज़रा मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो शॉल से मैंने निकलवा भी ली थी, तो निकाह पे ना यूजली लाइट कलर ही अच्छा लगता है, वाइट हो तो बहुत अच्छा है। वाइट मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो वाइट और ब्लैक अभी मैं नहीं पहन रही। ये मेरी अलमारी है, अभी तिनका निकलाया है, तिनका नहीं। अच्छा, किसी ने जिन्होंने मुझसे पूछा हुआ था ना इस मिरर का, वो काइंडली अपना DM चेक कर ले, मैंने उन्हें मैसेज करके बताया। तो जो मेरा ग्रीन पिस्टैशियो ग्रीन गरारा है ना निकी एंड नीना वाला, उसके साथ मैं ये शर्ट उसके साथ के जो मैं इसके साथ पहन रही हूँ, ये शर्ट है और ये दुपट्टा है। ठीक है सर, सब अच्छा लग रहा है। तो जी अब इधर ही लटका देना साथ ही, फिर ये मैं पहनूंगी। और ये सैटरडे को, तो इसके साथ फिर मैं वीडियो करूंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे इसके साथ की शर्ट मैंने नबीला को कहा है मुझे बना देगी जिस तरह की मुझे चाहिए शर्ट, तो वो मेरी अभी 2-3 शादियां जो उसके बाद हैं रमज़ान के फौरन बाद ईद के साथ, तो इंशाल्लाह उसके लिए वो होगा। तो ये है शर्ट और ये आपकी, मुझे लग रहा है अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा इसके साथ। तो अभी रमज़ान से पहले और रमज़ान के फौरन बाद काफ़ी सारी शादियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आती जाती हैं और होती जा रही हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जाना और क्या दे रही हूँ। और वो क्योंकि बच्ची भी बाहर से ही आई हुई है और उन लोगों ने वापस बाहर ही चले जाना है, तो वो सारे कपड़ों शपड़ों की शॉपिंग और तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो हाँ, कल मैंने सोचा है कि मैं अब व्लॉग करूँगी चाइना मार्केट का, और चाइना मार्केट के ना अब 2-3 मैं करूँगी आपके साथ। एक तो अभी मैं कल जाके कोई चीज़ें जो स्पेसिफ़िकली लोगों ने मुझे कहा हुआ है वो वहाँ पे शेयर करेंगे, और कुछ ऐसा है कि रमज़ान से पहले लोगों ने बहुत सबने मुझे मैसेज किया हुआ है कि किस किस्म के कपड़े बनाएं, क्योंकि रमज़ान में इफ्तारियाँ वगैरह होती हैं और सब लोग अटेंड करते हैं और हम लोग जा रहे होते हैं। तो जो ये वाले काम है ना जो रमज़ान की तैयारियों के, वो मैं भी करूँगी आपके साथ, और साथ में किचन के
हवाले से तो करेंगे ही, लेकिन कपड़ों में क्या बनाएं और कैसे बनाएं वो भी ज़रा डिसाइड करेंगे। तो वो फिर कल परसों हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कल चाइना मार्केट चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की दुख दर्द और परेशानियाँ दूर करे और हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो आपकी सेहत है, वो अच्छी हो तो आपको लगता है सब कुछ है, और वो उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो आपको बड़ा दुख होता है कि आप बाकी सब कुछ जो है लेकिन सेहत ही नहीं है। ये तो सेहत अल्लाह की देन है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपना खुद भी ख्याल रखना है, तो वो अपना ख्याल रखते रहिए। लेके प्यार आँखों में, हाँ लेके प्यार आँखों में।